पता नहीं क्या सीक्रेट है. Maybe my Russian viewer can understand your everything. इंडिया में आप 50-60 में पूरा पेट भर सकते हो, तो यहाँ भी आधा पेट तो भर ही सकते हो. बस यहाँ से कोई रास्ता हो सीधा सीधा ताकि मैं मेन रोड तक पहुँच जाऊँ, फिर तो मैं देख लूँगा. पूछ रहे हैं तुम यहाँ कैसे जीते हो. तो सुबह हो गई और मैंने नहा धो लिया है, अभी सारा काम कर दिया, ब्रश ब्रश कर लिया और नाश्ते में उन्होंने जूस दिया था अर्टेक का, वो मैंने पिया और अभी सारा काम फिनिश हो गया है. तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, इनका भी काम पे जाना, ये भी ऑलरेडी लेट हो रहे हैं. तो अभी मैं निकल के थोड़ा गुरजुब घूमूंगा, उसके बाद अलुष्टा की तरफ रवाना होऊंगा. अभी यहाँ पे बस आएगी 131 एंड दो नंबर बस आएगी, दो बसें आएगी, उनमें से कोई भी मुझे पकड़नी है और वो सीधा मुझे गुरजुब बस स्टैंड ले जाएगी. तो अभी मैं उन्हीं बस का वेट कर रहा हूँ और वो निकल गए हैं. अभी सुबह के करीब बज रहे हैं 8:30 और थोड़ा बारिश का मौसम भी लग रहा है, बस थोड़ी छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही है, बस बारिश ना हो वरना पूरा पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा. फिर से उतार चढ़ाव शुरू हो गया, इतना चढ़ना पड़ रहा है ना, कोई यहाँ बस मिली तो मैंने सोचा मैं पैदल ही निकल जाता हूँ वहाँ जहाँ से मुझे बस मिलेगी मेन रोड तक. और मेन रोड तक का रास्ता भाई इतना थकाओ पकाओ, चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गई है. गुरजुब पता नहीं किस तरह की पहाड़ी के बीच में है, कभी इतना ऊंचा पहाड़, कभी ढलान, कभी समझ में ही नहीं आ रहा है. पीछे आप देखिए और मेरे आगे भी पहाड़ है. सुंदर तो बहुत है लेकिन चढ़ने में ऐसी की तैसी हो जाती है. काश यहाँ से कोई रास्ता हो सीधा सीधा ताकि मैं मेन रोड तक पहुँच जाऊँ, फिर तो मैं देख लूँगा. देखिए पीछे पूरा समुद्र दिखाई दे रहा होगा, पूरा दरिया. लगता है आगे कहीं रोड है, मेन रोड दिखाई दे रही है. वैसे मुझे फाइनली रास्ता मिल गया. एक औरत आई, उसने बताया, मैंने उसको पूछा कि मेन रोड तक जाना है कैसे जाऊँ, उसने रास्ता बताया. अब मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस रिटर्न हो रहा हूँ, मेन रोड जाऊँगा, फिर वहाँ से अलुस्ता की बस पकड़ूँगा. थैंक गॉड. अभी मैं पहुँच गया हूँ अलुस्ता और जाऊँगा बीच पे, और फिर शाम को मेरा फ्रेंड जो लियोनीड है वो आएगा और फिर जाऊँगा उसके घर पे. तो अभी का प्लान है थोड़ा अलुस्ता के कुछ नज़ारे देखना, अच्छी अच्छी प्लेसेस पे जाना, पर मौसम अच्छा नहीं है, मौसम बहुत ख़राब है. एक तरीके से थोड़ी देर पहले ही यहाँ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा फिसलन है और बादल हैं. पूरा सनी डे होता तो और सुंदर लगता, पर कोई ना, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे वैसे भी और ठंड भी ज़्यादा नहीं है वैसे. चलो अभी मैं चाहता हूँ कि कम से कम पूरे दिन तो बारिश ना हो एटलीस्ट. हेलो, तो देखते हैं, बाकी तो सफ़र का मज़ा आ रहा है. Блин, с творогом, сырнички. Можешь взять любой гарнир с салатиком. Салатики есть. Хлеб. Хлеб. Вот это смотри. Такое. Это вегетарианский? Творог. Ешь творог? Творог. Я. Да. Масло. Есть. Масло там. इसमें गुशिंका डाला है. गुशिंका का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं उसको, जो एक तरीके से मिल्क होता है, गाढ़ा मिल्क, उसमें शुगर डाल दो तो मीठा गाढ़ा मिल्क. एक तरीके से अपने जो इंडिया में रबड़ी मिलती है तो ये रबड़ी जैसा है, टेस्ट करता है. और ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है और इसमें डाला हुआ है पनीर है. पनीर है और ये एक तरीके से ब्रेड की कवरिंग है.
वाओ टेस्टी हैं यार। एक तरीके से जैसे इंडिया में आप 50-60 रुपये में पूरा पेट भर सकते हो, तो यहाँ भी आधा पेट तो भर ही सकते हो। यहाँ पे वेजिटेरियन के नाम पे गोभी और आलू डाल के देते हैं, एक तरीके से ब्रेड में पकाया हुआ मिलता है। ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया, लेकिन अभी मैं यहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, मैं भीग जाऊँगा। वैसे भी मैं वहाँ पे जब चढ़ाई कर रहा था तो मैं पसीने से भीग गया, और फिर जब मैं स्टेशन पे था ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अंदर से भीगा हुआ और ऊपर से हवा लगती तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो वैसा सीन हो रखा था। अभी यहाँ पे करीब 16 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ से करीब 100-200 मीटर यहाँ पे दूरी पे बीच है, वहाँ जाता थोड़ा देखता, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, लेकिन अभी थोड़ी बूंदाबांदी रुक जाए तो फिर मैं निकलता हूँ। और वैसे लोग भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, पीछे देख सकते हैं मेरे अभी इस तरफ, और छाता भी नहीं है, मैंने छाता लिया ही नहीं, मैं भूल गया एक्चुअली। मैं सोच रहा हूँ छाता यहाँ से कोई छोटा सस्ते मिल जाता तो ख़रीद लूँगा, तो सेफ्टी के लिए सही रहेगा। बारिश थोड़ी मतलब धीमी पड़ गई है या फिर ये ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है, तो अभी मैं निकलता हूँ। काफ़ी भारी वजन ले लिया मैंने इस बार, अगर नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा तो मैं इतना ज़्यादा वजन नहीं लूँगा क्योंकि इसको ढो ढो के इतना चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है ये चीज़। तो अभी मेरे पास करीब ये समझ लो पीछे 25-30 किलो वजन होगा करीब, तो इस बार सिर्फ मैट लूँगा, टेंट लूँगा और निकल पड़ूँगा, इस बार ज़्यादा वजन नहीं लूँगा। तो अभी वैसे बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो निकलता हूँ मैं और देखता हूँ ऐसे कितनी है। ऐसे है ही नहीं है, बस दिख रहा था बाहर से ऐसा, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। ये सारी बसें हैं सिम्फरोपोल के लिए, अलुस्टा, सेवास्टोपोल, सॉरी अलुस्टा में था ही हूँ, सेवास्टोपोल व अदर सिटी के लिए। वैसे मैं पहले अलुस्टा आ चुका हूँ पर इस बार और अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो मैं एक छाता ले लूँगा। वैसे ये है झूला, काफ़ी बड़ी साइज़ का झूला है। वैसे यहाँ के झूले बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं तो मेरा मन नहीं करता बैठने का, थोड़ा एडवेंचरस तब लगता है जब थोड़ा डर भी लगे। इतने स्लो स्लो में तो बच्चे भी ना डरें। जल्दी से बादल हटें और साफ आसमान हो तो सुंदरता और बढ़ जाएगी अलुस्टा की। बाकी हर जगह पानी पानी है, कीचड़ हो रखा है और बीच पे पहुंच गया हूं मैं ऑलमोस्ट। ये है ब्लैक सी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अलुस्टा का बीच, याल्टा का और पूरा क्रीमिया एक ही समुद्र से घिरा हुआ है, वो है ब्लैक सी। और किसी भी बीच पे जाओ एक ही पानी होता है हर बार, और धूप होने वाली है, बादल हट रहे हैं ऐसा लग रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर वाली फीलिंग आ रही है मुझे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। Like
दिस इज द कैमरा फॉर व्लॉगिंग हां दा इतना दा इतना 500 रुबला अदिन मिनट ये ट्विच तक में दा ओके хорошо तो ये दूरबीन है तो मैं इस दूरबीन में 50 रुबल डाल के देखता हूँ एक मिनट के लिए शायद कैसा व्यू दिखता है मैं ट्राई करता हूँ अभी तो ये भी ट्राई कर रहे हैं शायद इनसे कुछ हो तो 100 रुबल डाल रहे हैं लेकिन बार बार नोट वापस आ रहा है देखते हैं क्या होता है यस इंडिया शायद 100 रुपए चले जाएं यार मे भी क्या पता ओके स्टार्ट एंड लुक एट दिस बारिश हो रही है और मैं हूँ अपने सेफ प्लेस पे क्योंकि मैं हूँ किसी पेड़ के नीचे तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है बाकी सब जगह देखिए पानी बरस रहा है इतना भी ज़ोरदार नहीं बरस रहा है पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी लियोनिड से बात हुई है वो भी आएगा थोड़ी देर में फिर उसके साथ मैं जाऊँगा अभी ठंड भी है हवा भी चल रही है मुझे भी ठंड लग रही है तो दोस्तों भी लियोनिड आया था और तो दोस्तों अभी मैं हूँ लियोनिड के घर पे जबकि एक्चुअली ये पहले मैं स्टे कराना चाहता था कि इनकी होटल है यहाँ पे अलुस्टा में तो वहाँ पे मैं रुकने वाला था लेकिन इनकी मॉम से मैं मिला फिर इनकी मॉम ने बोला कि आज तुम हमारे घर पे रुकोगे तो मैं इनके घर पे आया हूँ और ये लियोनिड मेरे लिए आलू छील रहा है एक्चुअली ये पूछ रहे हैं तुम यहाँ कैसे जीते हो इनकी मॉम मुझे अलेक्सेंड्रा बुलाना चाहती है मैंने कहा ठीक है बट जो आपको अच्छा लगे बुला सकते हैं और ये है इनका घर इनके पास काफ़ी बड़ा होटल है मैं देख के आया और इनके ये दो डॉगी हैं काफ़ी अच्छा घर है इनका मतलब इस तरह का रशियंस का घर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है वैसे जो मैंने याल्टा में दिखाया था वो तो एक तरीके से रेंट पे रहते थे ये इनका प्रॉपर घर है यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं और मैं ऊपर के कमरे भी दिखा सकता हूँ डैनियल का ब्रदर काकवा जाऊत सवेली ये है सवेली और ये है इनका रूम और आज ये बेड मेरे लिए तैयार किया है इन्होंने ओके थैंक यू और ये है लियोनिड महान लियोनिड का रूम ये इंजीनियर हैं देखो इन्होंने सब खुद से बनाई है सारी चीज़ें ये गैराज में पूरे दिन काम करते रहते हैं नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं नई नई चीज़ें बनाते हैं वायरिंग जैसा मेरा ड्रीम था बचपन में कि मेरा भी ऐसे ही रूम हो तो वैसे ये चीज़ें हैं ये है इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर इनका कंप्यूटर सेट और ये इनका बेड यार आज मतलब वंडरफुल लोग मिले हैं कल भी जो था वो काफ़ी स्मार्ट था जीनियस था वो भी और आज जो मिला वो भी जीनियस एंड ये हैं कुछ कलाकृति ये हैं जूस इनका शायद कौन कौन से फ्रूट्स बताए थे दिस इज मेड फ्रॉम इट्स बॉइल्ड फ्रूट्स विद शुगर Okay. In Russian, people say that is compote. Compote. Okay. So, ये हैं जो आपने सुन लिया भाई है मतलब Russian people इसको compote कहते हैं और ये boiling fruits हैं और इसमें sugar add की हुई है Russian मुझे समझ में आती नहीं और ये पता नहीं क्या secret Maybe my Russian viewer can understand your everything. So, अभी मैंने बनाई है आलू की recipe. मैंने खुद यहाँ first time try किया ये चीज़
मैंने आलू फ्राई करके इसके ऊपर चीज़ डाली है और मैं इस क्रीम के साथ खा रहा हूँ। और ये है ब्रेड, ये इनकी मॉम बहुत ज़्यादा स्वीट फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली लगी मुझे। मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार इनके घर पे आया हूँ, ऐसा लग रहा बहुत टाइम से रह रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, ये है मेरा रूम। एक्चुअली ये रूम किसी का नहीं था, ये छोटे भाई का रूम दूसरा है, उधर इसके बड़े भाई का रूम है। और ये रूम मतलब एक तरीके से गेस्ट के लिए है समझो, और इसमें ये गेम खेलता रहता है पूरे दिन अपने गेमिंग कंप्यूटर पे, और काफ़ी बढ़िया है, मज़ेदार है, मज़ा आया पूरे दिन। और इनके साथ खाना वाना खा के, और लियोनिड ने मेरे बनाई हुई सब्ज़ी खाई, मतलब सब्ज़ी कह सकते हैं फ्राइड रहा, जो फ्राइड आलू थे वो इसने खाए, उसको अच्छा लगा, और भरपेट खाया। और इनके कुत्तों को टहलाने ले गए थे वॉक पे, मैं और लियोनिड दो कुत्ते इनके पास छोटे छोटे, और हम करीब थोड़ी देर घुमा के आए वापस उधर से। और अभी जा रहा हूँ मैं सोने, तो शुभ रात्रि।